बेस्ट रिंग लाइट फॉर यूट्यूब एंड टिकटॉक। अगर आप जो है यूट्यूब के लिए वीडियोस बनाते हो या फिर आप टिकटॉक के लिए वीडियोस बनाते हो, मेकअप ट्यूटोरियल्स बनाते हो, ऑनलाइन क्लासेस करते हो, वीडियोग्राफी करते हो, फोटोग्राफी करते हो, इंडोर वीडियोग्राफी करते हो, आउटडोर वीडियो शूट करते हो, कुछ भी करते हो, और अगर आप जो है एक बेहतरीन रिंग लाइट की तलाश में हैं, तो आपके लिए सबसे बेहतरीन होगा डिजिटेक की तरफ से आने वाला 18 इंच का रिंग लाइट। मार्केट में इसके जैसे आपको बहुत सारे रिंग लाइट मिल जाएंगे जो कि 500-600 रुपये आपको सस्ते मिल जाएंगे, लेकिन वो आप बिल्कुल मत लेना, क्योंकि उसकी जो क्वालिटी है और उसकी जो आउटपुट है लाइट की, वो उसमें बहुत ही कम रहती है। आपने देखा होगा कि जो भी टिकटॉक की वीडियोज बनाते हैं या फिर यूट्यूब के लिए वीडियोज बनाते हैं, 90% लोग जो है डिजिटेक की तरफ से आने वाला 18 इंच का रिंग लाइट का ही यूज करते हैं, क्योंकि इसकी क्वालिटी जो है बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी की, सुपर बेस्ट क्वालिटी है। इसको आप इंडोर में आउटडोर में दोनों जगह यूज कर सकते हो। आप इंडोर में डायरेक्ट पावर प्लग करके एसी से यानी लाइट से आप जो है करंट से आप इसको चला सकते हो, लेकिन अगर आपको बाहर जाना पड़े आउटडोर में भी शूट करना चाहते हो तो उसमें आपको जो है बैटरी मिलती है, बैटरी आपको एक्स्ट्रा खरीदना पड़ेगा, वो आपको 400-500 रुपए में एक बैटरी मिल जाता है, पीछे में अटैच करके आप उसको जो है आउटडोर में भी जो है यूज में ला सकते हो। तो चलो बिना किसी देरी के मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको इस बॉक्स के अंदर क्या क्या मिलेगा, उसके बाद मैं आपको प्रॉपर में लगा के इसकी लाइट की क्वालिटी कैसी है सब टेस्टिंग भी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। इस वीडियो को छोड़ के जाइएगा मत, शुरू से लेकर आखिर तक देखिए, और इसका लिंक मैं अमेजोन का लिंक मैं नीचे में दे दूंगा, जो कि आप ऑनलाइन जाके आप जो है अच्छे से आप खरीद सकते हो। मैं बेस्ट सेलर का लिंक मैं दे दूंगा ताकि आप खरीद के आपके कोई भी सामान टूटा फूटा या खराब ऐसा ना निकले। तो खोलने के बाद यह रिंग लाइट जो है बहुत ही कमाल का रिंग लाइट है, इसकी जो है क्वालिटी भी बहुत ही बेहतरीन है। इसको खोलोगे तो आपको जो है इस तरह का ये जो है बॉक्स है, बॉक्स में और कुछ नहीं मिलेगा, इसको मैं साइड में कर देता हूँ। तो जो है इस तरह से आपको ये बॉक्स मिलेगा। देखो ये बैग की क्वालिटी भी बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही अच्छी है। मुझे लगा था कि भाई बैग की क्वालिटी जो उतनी सही नहीं होगी, लेकिन वाकई बैग की क्वालिटी बहुत ही सही है। और चलो मैं इसको मैं आपको प्राइस भी बता दूँ, खोल लेता हूँ उसके बाद मैं बताता हूँ कि मैंने इसको कितने प्राइस में लिया और आप इसको कहाँ से सस्ते में ले सकते हो, क्या है हर चीज़ मैं बताऊँगा। तो देखो ये खोलने के बाद आपको जो है इस तरह का रिंग लाइट, ये देखो ये है बेहतरीन रिंग लाइट, ठीक है, बहुत ही बड़ा है, मुझे लगा था कि छोटा सा होगा, लेकिन बहुत ही अच्छा है। इसकी क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी भी बहुत अच्छी है ये। तो चलो हम ये इसको साइड में रखते हैं और देख लेते हैं कि इसके साथ आपको क्या क्या और मिलता है। तो बैग में देखो ये दो चीज़ मिलेगा और कुछ नहीं है बैग में। देखो बैग की क्वालिटी भी आप देखना चाहो तो मैं दिखा देता हूँ। देखो बैग की क्वालिटी भी अच्छी है, बुरी नहीं है, सही क्वालिटी है इसकी, ठीक है, इसको साइड में रखते हैं। अब देखो आपको जो है इसके साथ आपको दो तीन चीज़ें मिलेगा। ये आपको जो है पावर केबल मिलेगा आपको, या मैं दिखा देता हूँ, इसकी लेंथ भी आपको मैं दिखा देता हूँ ताकि आपको जो है पता चल जाए। ये देखो लेंथ की, इसकी वायर की लेंथ भी बहुत अच्छी है। यहाँ पे देखो ये आप जो है डायरेक्ट आप प्लग करोगे आप अपने रिंग लाइट में और डायरेक्ट आप एसी से यानी इलेक्ट्रिसिटी से डायरेक्ट चला सकते हो। तार की लेंथ भी बहुत ही लंबी है, ठीक है, 2 मीटर के आसपास इसकी लेंथ होगी। जी हाँ, 2 मीटर के आसपास इसकी लेंथ होगी। देखो ये आपको मोबाइल होल्डर मिलेगा, ये आप जो है इजीली जो है आप जो है अपने रिंग लाइट में अटैच कर सकते हो। सब मैं दिखाऊंगा, लाइटिंग वाइटिंग सब चेक करा के दिखाऊंगा। उसके बाद आपको जो है और एक होल्डर मिल जाएगा इस तरह का, यानी जिसमें आप जो है यहाँ पे देख लो, जिसमें आप जो है अपना DSLR या फिर कैमरा माउंट कुछ भी आप जो है इजी कर सकते हो। ये इस तरह का ये होल्डर एक मिलेगा और फिर ये वाला मोबाइल होल्डर आपको ये मिलेगा इस तरह का, और फिर ये आपका जो है वायर इस तरह का मिलेगा। अब चलिए अब इसकी क्वालिटी के बारे में बता देता हूँ, तो ध्यान से देख लो, इसको मैं क्लोज लुक आपको मैं दिखा दूंगा। देखो इस तरह से है ये, और यहाँ पे देखो साइड में आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हो, यानी कि जैसे कि आप जो है अपना जो स्टैंड है, जैसे लाइट स्टैंड आता है उसमें अगर ऐसे लगा दोगे, मान लो जैसे स्टैंड है, तो इसको यहाँ पे टाइट करने के बाद इसको जो है ऊपर नीचे, यहाँ पे देखो ऊपर नीचे, यानी कि जैसे मैंने ऐसे स्टैंड कर दिया तो ऊपर नीचे साइड में कैसे भी अपने तरफ से मैं इसको एडजस्ट कर सकता हूँ। और इसकी क्वालिटी, इसके बिल्ड क्वालिटी जो है बहुत ही बेहतरीन है। इससे भी जो है 400-500 रुपये सस्ते वाले भी मैंने प्रोडक्ट देखे थे, उसकी भी बिल्ड क्वालिटी लगभग ऐसे ही थी, लेकिन उसके अंदर के जो पार्ट्स होते हैं, अंदर की जो LED लाइट्स की जो क्वालिटी होती है उसमें चीप क्वालिटी की रहती है, तो वो भूल के भी मत लेना। आपको लेना है तो आज के डेट में जितनी भी रिंग लाइट आ रही है तो सबसे वेल नोन ब्रांड डिजिटेक का है, जो कि 90% लोग जो है इसी को प्रेफर करते हैं और इसी को यूज़ करते हैं, और इसकी जो है लॉन्ग लास्टिंग भी है। आप इसको यूज़ करोगे तो सालों साल आप इसको यूज़ कर सकते हो, कोई ख़राबी नहीं रहेगा, रोज़ के रोज़ यूज़ कर सकते हो। लेकिन इससे जो सस्ते वाले आते हैं वो मत लेना, क्योंकि मेरे भी एक फ्रेंड ने लिया था, वो जो लेके फंसा चुका था, 550-600 रुपये सस्ते के पीछे में गया और कुछ हुआ नहीं। तो देखो इसका मैं आप जो है क्लोज लुक आपको मैं दिखा देता हूँ ताकि आप ये देख लो, यहाँ पर ये आपको डिजिटेक की ब्रांडिंग मिलेगी और ये इस तरह से। और जो बैटरी की बात कर रहा था, यहाँ पे देखो ये जो बैटरी आपका यहाँ पे जो है आपका बैटरी मिलेगा, और बैटरी जो है किस टाइप का कौन सा लगाना है ये आप जो बॉक्स लोगे
यहाँ पे जैसे बॉक्स है, तो बॉक्स के पीछे यहाँ पे देखो, यहाँ पॉज करके यहाँ पे जो है बैटरी टाइप यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे देखो, अगर आप यहाँ पे ध्यान से अगर देख पाओगे, आप डायरेक्ट इसको जो है आउटडोर में जो है इसको यूज़ कर सकते हो, रात के वक्त, शाम के वक्त, कभी भी। बहुत ही बेहतरीन है ये, और इसकी बिल्ड क्वालिटी आप भी आप देख लो। मैं एक एक करके सब चीज़ बता दे रहा हूँ। अब देखो ये जो है पूरी रिंग लाइट है। अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जो है ये ऑन ऑफ का ये जो है ये स्विच आपका जो है ऑन ऑफ का स्विच आपका दिया हुआ है, और यहाँ पे आप जो है पावर केबल जो है ये प्लग करोगे। ये जो है पावर केबल जो है इस तरह से आप प्लग करोगे, प्लग करके आप जो है इसको ऑन कर लोगे। अब इसके बाद यहाँ पे जो है ये जो दो बटन आप देख रहे हो, यहाँ पे मैं आपको सही से दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो ये जो दो बटन देख रहे हो, यहाँ पे आप जो है इसको जो माउंट कर सकते हो। यहाँ जो मैंने दिखाया था ये होल्डर को, यहाँ पे इसमें होल्डर के तरफ इसको जो है माउंट करके यहाँ पे DSLR कैमरा, मोबाइल फ़ोन या कुछ भी आप इसमें एडजस्ट कर सकते हो, लगा सकते हो, कोई परेशानी वाला बात नहीं है। यहाँ भी लगा सकते हो, और यहाँ पे भी स्क्रू दिया गया है, यहाँ पर भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे ऑप्शन बहुत सारा दिया गया, यानी कि जैसे यहाँ पे होल्डर में ऐसे करके करोगे, देखो ये सब मैं करके आपको दिखा दूंगा, लेकिन जस्ट आपको मैं बता रहा हूँ। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये सब तो लग जाएगा, और यहाँ पे देखो ये दो जो है ये नॉब जैसे दिए गए हैं। अब आप बोलोगे कि भैया दो नॉब क्या है, तो देखो ये जो है पहला जो डिम है, और यहाँ पे जो है इससे जो है ये वाला जो है इससे आप जो है लाइट को ज़्यादा और कम कर सकते हो, ठीक है। यानी कम से ज़्यादा, यानी आपको जैसे लाइट चाहिए वो आप जो है एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ से इस वाले से लाइट को ज़्यादा कम कर सकते हो, और इससे लाइट को जो है वाइट से येलो के बीच में आप अपनी जो है कलर टोन को एडजस्ट कर सकते हो। यानी कि ये जो है ये लाइट बैलेंस को एडजस्ट करने के लिए होता है, और ये आपका कलर टोन को एडजस्ट करने के लिए होता है। तो ये दोनों ही चीज़ मैं आपको जो है अभी जो है करके मैं दिखाऊंगा लाइव इसकी डेमो में, ताकि आपको सही से पता चल जाए। इसलिए इस वीडियो को जो है शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। जैसे कि देख पा रहे हो कि रिंग लाइट मेरे हाथ में है। अब इसको कैसे लगाना है देख लो। आपका जो भी लाइट स्टैंड रहेगा उसमें आपको जो है ये जो नीचे से होल रहेगा इसको आप जो है स्क्रू को थोड़ा सा हल्का करना है, जिस वजह से जो है नट इसमें अच्छा सा जा सके। अब इसको जो है इसमें इंसर्ट करने के बाद, ठीक है, ये अंदर से अच्छा सा चला जाएगा, और उसके बाद जो है दोनों स्क्रू आपको जो है टाइट कर लेना है। ये ऊपर वाला जो लंबा वाला जो मैं टाइट कर रहा हूँ, इसको जो है आप जो है एडजस्ट आप कर सकते हैं अपनी हाइट को रिंग लाइट की। और उसके बाद जो नीचे वाला जो साइड वाला जो है जो मैं अभी टाइट कर रहा हूँ, इसको टाइट कर देने से आपका ये अच्छी तरह से होल्ड हो जाएगा लाइट स्टैंड में। इसको अच्छा से टाइट कर लेना, इसके बाद ये फिक्स हो जाएगा। अभी हमारा जो है रिंग लाइट जो है हमारे लाइट स्टैंड में जो है फिक्स हो चुका है। अब मैं इसको जो है हाइट जो है इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर दे रहा हूँ, ताकि आप जो है अच्छी तरह से आप देख पाओ। और अभी जो लाइट जो है मैंने सिर्फ 10 वाट का एक नॉर्मल एक LED लाइट जलाया है, जिससे कि पिक्चर क्वालिटी आपको उतना सही नहीं मिल पा रहा होगा। एक्चुअली मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इसकी जो एक्चुअल लाइट क्या है। अगर मैं ज़्यादा लाइटिंग कंडीशन में दिखाऊंगा तो आप इसकी एक्चुअल लाइट आप ठीक से देख नहीं पाओगे। इस वजह से कम लाइट में जो है ये वीडियो में शूट कर रहा हूँ। मुझे पता है क्वालिटी इतनी ठीक से नहीं आ रही होगी। अब देखो यहाँ पे पीछे में आपको जो है ये 2 पिन जैसे दिख रहा है, यहाँ पे आपको इंसर्ट करना है, और आपको जो है पावर देके आप इसको ऑन कर देना है। यहाँ पे जो है ये पावर ऑन ऑफ स्विच है, आप इसको जो ऑन कर सकते हो। अब मैं इसको जो है ऑन करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ आपको सामने की तरफ से कि किस तरह से जो है आपका जो है लाइट ये आएगा। उसके बाद मैं जो है एक लाइट जला के इसमें टेस्टिंग करके दिखाऊंगा। उसके बाद मैं पूरी कमरे की लाइट में बंद कर दूंगा, और अंधेरे में आपको मैं करके दिखाऊंगा। प्लस वीडियो को लाइट में कितने प्राइस परा मुझे ये कितना परा, और कैसे आप जो है सस्ते में ले सकते हो, कहाँ से, हर चीज़ में डिटेल आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर नॉर्मल मैं बस आपको दिखाने के लिए आपके तरफ मैं लाइट करके मैं दिखा रहा हूँ। ये देखो, ये जो है नॉब घुमा के आप जो है इसको वॉर्म को लाइट को जो है ऊपर नीचे आप कर सकते हो। अब मैं फिर से धीरे धीरे मैं इंसर्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो, अब मैंने बंद कर दिया। अब मैं फिर से इसको मैं चला के मैं दिखाऊंगा। ये देखो इस तरह से, तो इस तरह से ये जो है लाइट को आप जो है ज़्यादा और कम ये कर सकते हो। ये जो मैं घुमा रहा हूँ इससे आप जो है लाइट ज़्यादा और कम कर सकते हो। ब्राइटनेस इसका बहुत ही अच्छा है, और उसके बाद ये सब देख सकते हो, ये क्वालिटी आपको मिलेगा। और इसमें जो है आप जो है जो टोन है कलर टोन उसको भी चेंज कर सकते हो, वो भी मैं करके दिखाऊंगा। तो जैसे कि देख पा रहा हूँ, अब देखो ये जब मैं कलर टोन चेंज करके आपको मैं दिखाऊंगा, तो ये देखो ये पूरी वाइट हो गई, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि नहीं आपको कोई वार्म इफेक्ट ना आए, येलो आप नहीं चाहते हो, तो आप जो है इसको वाइट भी कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि पूरा येल्लो मुझे करना है, तो देखो धीरे धीरे घुमा के मैं कर रहा हूँ, ये आप देखो ये पूरा येल्लो हो गया, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपको एक बेसिक आइडिया मिल गया कि नॉर्मल जो है ये कैसे हो सकता है, कैसे होता है लाइट, ठीक है। अब मैं इसको जो है अपने चेहरे की तरफ करके इसको मैं दिखाऊंगा। अभी जो है सिर्फ एक लाइट जल रहा है, और एक लाइट जलने के ऊपर मैं इसकी जो है ऑन करके मैं दिखा रहा हूँ। देखो ये है इसकी क्वालिटी, इसको मैं
थोड़ा तेज़ कर दिया। अब देखो ये जो है पूरा फुल ब्राइटनेस है इसका। अब उसके बाद जो है मैं इसका कलर टोन भी चेंज करके दिखाऊंगा, देख लो किस तरह से ये लाइट ये आपको लग रहा है। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको जो है कौन सी पसंद आ रही है। अब मैं देखो धीरे धीरे इसको मैं जो है जो कलर टोन को मैं चेंज कर रहा हूँ। अभी देखो धीरे धीरे ये येलो की तरफ हो रहा है, ये धीरे धीरे और घुमा रहा हूँ मैं। अब देखो ये पूरा येलो हो गया है। अब मैं थोड़ा सा, अभी मैं जो ये वीडियो शूट कर रहा हूँ मैं थोड़ा सा दूर से मैं शूट कर रहा हूँ, मैं कुछ देर बाद थोड़ा और पास आके मैं आपको मैं दिखाऊँगा ताकि आपको और क्लियर आइडिया मिल जाएगा। ये थोड़ा सा हल्का सा दूर में हूँ मैं। अब जो देख सकते हो कैसी क्वालिटी है इसकी। और फिलहाल अभी मैं आपको बता दूं, अभी जो है सिर्फ एक लाइट जल रहा है और ये रिंग लाइट जल रहा है, यानी कमरे में एक लाइट जल रही है और ये एक जो है रिंग लाइट है। अब मैं कुछ देर के बाद मैं पूरे कमरे की लाइट ऑफ करके भी इसकी क्वालिटी में आपको मैं दिखाऊँगा अच्छी तरह से, ताकि आपको जो है अच्छी तरह से पता चल जाए। तो ये देखो मैं जो है कम ज़्यादा करके हर चीज़ में आपको दिखा रहा हूँ। ये जो है अपने हिसाब से आप जो है ना कलर टोन जो है ईज़िली आप जो है इसको एडजस्ट कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं आएगा। अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे पूरी वाइटेस्ट टोन चाहिए, पूरी वाइट चाहिए तो वाइट कर लो, अगर आप चाहते हो कि मुझे पूरी येलो चाहिए तो आप जो है येलो कर लो, अगर आपको लगता है कि नहीं लाइट बहुत ज़्यादा है मुझे लाइट कम चाहिए तो लाइट कम कर सकते हो, ज़्यादा कर सकते हो। यानी हर चीज़ आपके इस कंट्रोल में रहता है। नॉर्मल हम जो कोई भी CFL या LED बल्ब हम लगाते हैं तो हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है, वो जिसकी ब्राइटनेस है जितनी वॉट की है उतनी उसी वॉट के साथ हमको जो है करना पड़ता है, और उससे जो है शैडो भी आता है। इसमें सबसे अच्छी बात है कि इसमें जो है पीछे में आपको कोई शैडो नहीं मिलेगा। देखो जैसे कि मैं अभी खड़ा होकर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, पीछे में मेरा बैकग्राउंड में देखो कोई भी शैडो नहीं है। अब देखो अब मैं एकदम पास में आ गया हूँ, अब पास में आके ये दिखा रहा हूँ कि इसकी क्वालिटी कैसी है। अब से इतना पहले जो था मैं थोड़ा दूर में होकर मैं वीडियो बना रहा था, अब जो है एकदम पास में आ गया हूँ, इससे कि आपको पूरी क्वालिटी पता चलेगी कि इसकी क्वालिटी कैसी है। अक्सर नॉर्मल जो टिकटॉक के वीडियोस जो और जो यूट्यूब के वीडियोस बनाते हैं वो इसी पोजीशन में रह के ही बनाते हैं। तो ये देख लो इसको मैं और वार्म कर रहा हूँ, और बीच में आप जो है DSLR और जो है कैमरा भी लगा सकते हो। हालांकि मैंने कैमरा यहाँ पे दूर में लगाया है ताकि आपको जो है करेक्ट आपको जो है इसका कलर टोन और लाइट बैलेंस आपको पता चल सके। यहाँ पर देखो मैं जो इसको जो है पूरा वाइट मैंने कर दिया है। अब देखो अब ये पास से है, मेरा चेहरा एकदम पास में है, और जो है इसके ऊपर वाइट में करके फुल वाइट है ये, ठीक है। अब मैं जो है धीरे धीरे करके फुल इसको जो है येलो इसमें कर रहा हूँ। अब देखो ये जो है फुल येलो है, यानी कि आप जो है इस तरह से जो है अपनी स्किन टोन के हिसाब से भी आप जो है इसको एडजस्ट कर सकते हो, या फिर फोटोग्राफी के हिसाब से। बेसिकली जो फोटोग्राफी शूट होती है वो येलो टोन में ज़्यादा शूट होती है, और जो वीडियो जो शूट होती है वो ज़्यादातर वाइट टोन में, जिस तरह से आप अभी ये वाली जो देख रहे हैं वीडियो वाइट टोन में, तो वीडियो जो है इस जो है फ्रेम में यानी कि वाइटेस्ट टोन में ज़्यादा शूट होती है, और जो फोटोग्राफी है वो येलो या फिर ब्राइडल मेकअप हो गया या मेकअप ट्यूटोरियल हो गया उसमें जो है ये सब जो येलो टोन का जो है लाइट का ज़्यादा इफेक्ट यूज़ किया जाता है। और मैं आपको और एक चीज़ जो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जब भी आप जो है 18 इंच का रिंग लाइट आप यूज़ करो, चाहे Digitech का हो या कोई भी कंपनी का हो, मेक श्योर कि आप लगातार जो है 3 घंटे से ज़्यादा यूज़ ना करें। अगर आप जो है एक लॉन्ग लास्टिंग चाहते हैं, ये आपको कोई नहीं बताएगा, 3 घंटे से ज़्यादा यूज़ ना करें, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। क्योंकि इसके जो अंदर की IC जो इसकी जो सर्किट होती है वो ज़्यादा हीट हो जाने की वजह से जो है प्रॉब्लम दे सकती है। अब देखो मैंने पूरी लाइट मैंने बंद कर दी है, पूरे कमरे की लाइट बंद कर दी है, कुछ भी नहीं जल रहा है, पूरा अंधेरा है। अब देखो अब मैंने इसको मैंने जलाया है। अब ये जो मेरी आप जो वीडियो देख रहे हो इसमें जो है एक भी लाइट पूरे कमरे की नहीं जली है, पूरे कमरे की लाइट मैंने ऑफ़ कर दिया है, और ऑफ़ करके अब ये मेरी वीडियो देख रहे हो इसमें देखो इसके कलर टोन कैसी आ रही है। ये हल्का येलो इसमें ये मैंने किया है। अब इसको मैं जो है थोड़ा थोड़ा मैं जो चेंज करता हूँ, ये मैं वाइट करता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखो वाइट जो है ज़्यादा वीडियोग्राफी के लिए यूज़ किया जाता है, और येलो स्टोन फोटोग्राफी के लिए। तो यहाँ पे देखो ये पूरी फुल वाइट है, यानी कि जो है नॉर्मल जैसे टिकटॉक की वीडियो यूट्यूब की वीडियोस आप देखते हो जो बनाते हैं वो इसी टोन में ज़्यादातर बनता है, और इतने ही सामने से बनता है। अगर मैं DSLR कैमरा जो है सामने में माउंट करता तो जो है और अच्छे से आपको मैं दिखा सकता, लेकिन उसमें आप टोन को अच्छी तरह समझ में नहीं पाते, इसलिए मैंने कैमरा को पीछे में रख के मैंने ये किया है, ताकि मैं जिस तरह से घुमा रहा हूँ ये भी आपको पता चल सके। अगर मैं बीच में रह के करता तो मैं कैसे घुमा रहा हूँ नहीं घुमा रहा हूँ ये आपको पता नहीं चलता। अब देखो मैंने फिर से पूरा बंद कर दिया, पूरा अंधेरा है, एक भी लाइट नहीं है, कहीं भी नहीं है, ठीक है। वो साइड में थोड़ा सा AC का थोड़ा लाइट सब बीच में आया होगा, हल्का सा होता है LED का छोटा सा लाइट है वो।
उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये देखो, ये जो है, ये पूरी जो है पूरे अंधेरे कमरे में ये रोशनी है, यानी कि पूरा ज़ीरो लाइटिंग कंडीशन में आप जो है इस तरह से भी, अगर आपके पास कोई भी लाइट नहीं है, अगर सिर्फ एक 18 इंच का अगर आपके पास रिंग लाइट है, तो आप जो है ईजिली आप जो है बना सकते हो वीडियोग्राफी या फिर फोटोग्राफी, सब चीज़ कर सकते हो। अब देखो, मैं ज़रूरी बात बताता हूँ कि इसको जो है मैंने लिया कितने में। देखो, ये जो मैंने लिया है 3,400 रुपये में लिया है, जो कि 3,000 मेरा रिंग लाइट का पड़ा और 400 रुपये जो स्टैंड है, लाइटनिंग स्टैंड उसका पड़ा, यानी 3,400 रुपये के अंदर में ये मेरा पूरा रिंग लाइट पड़ा है। अगर आप जो है लोकल मार्केट से लोगे, अगर आप जो होलसेलर दुकान से लोगे, तो आपको जो 3,300 या 400 के आसपास जो आराम से मिल जाएगा। इसे सस्ते वाले भी आते हैं जो 400-500 रुपये सस्ते होते हैं, लेकिन वो मत लेना। उसकी जो है एलईडी की जो लाइटिंग कंडीशन होती है उतनी सही नहीं होती है, उतना ब्राइटनेस आपको प्रोवाइड नहीं करेगा। तो बेस्ट है कि आप जो है डिजिटेक का 18 इंच का रिंग लाइट लो, जिसका भी एफिलिएट लिंक मैं नीचे में दे दूंगा, वहाँ से आप जो है इसको आप खरीद सकते हो। हालांकि वहाँ पर थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, लेकिन वो आपको जेन्युइन प्रोडक्ट आपको मिलेगा।